सिक्किम में प्रदेश का सबसे प्राचीन त्योहार तेंडोंग लहरम फाद धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न संगठन राज्य भर में इस उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कल गंगटोक के सरमसा में 3 दिवसीय इस उत्सव का उद्घाटन किया गया। ये लिप्चा आदिम जाति जो सिक्किम में रहते हैं, ये प्रकृति को पूजा करते हैं, पर्यावरण को मानते हैं और हमारा इतिहास, हमारा कथा, हमारा गौरव बोलता है कि एक समय में ये साउदर्न बेल्ट ऑफ हिमालय में लेप्चा जाति लोग रहते थे और एक समय ऐसा हुआ यहाँ पूरा महाजल प्रलय हुआ, तो महाजल प्रलय में बहुत लेप्चा यहाँ का बहुत पॉपुलेशन वो महाप्रलय में मर गया, उन लोगों को जान गुमाना पड़ा। उसी समय में लेप्चा जाति लोग ने अपना जान को बचाने के लिए ये लोग तेंडोंग पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और वहाँ से बहुत सा लेप्चा जाति लोग अपना जान बचा सका और बहुत सा हजारों लेप्चावासी लोग वहाँ मर गए। और उसी समय से लेप्चा जाति ने माउंट तेंडोंग को एक शिविर के रूप में पूजा करने लगा और वहीं से ये माउंट तेंडोंग का अथवा यह तेंडोंग लोरुम फाद बोल करके हम तेंडोंग पहाड़ को पूजा करते हैं। इस मौके पर उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। त्योहार का मुख्य दिन 8 अगस्त को है। त्योहार के राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन सरमसा में मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने किया था। असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद मेघालय में भी लगातार एनआरसी और आईएलपी व्यवस्था की मांग उठाई जा रही है। Not only Bangladeshi immigrant, but immigrant from Bhutan, even Chinese living here. So we cannot deny that foreigner is settled in Meghalaya. So when foreigner is settled in Meghalaya, why did the central government has to treat Meghalaya stepmotherly? If you can give an RC to Assam, why not us? We also have immigrant here. We also have foreigner here. We also have a long border, unfencing border with Bangladesh. Why treat Assam like a big brother and Meghalaya like a small, younger brother? You see, come on. If you can give an RC to Assam, give to Meghalaya, and not only to Meghalaya, you can give in the interstate of India as the governor of Assam city. What's that our social organization has demanded? इस संबंध में उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसंग ने कहा कि चूंकि राजनीतिक पार्टियां, गैर सरकारी संगठन और छात्र संघ एनआरसी की मांग कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने राजनीतिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। वी आर ओपन टू द आइडिया ऑफ आवर पीपल इन द स्टेट, व्हाटएवर रिकमेंडेशन सजेशन मेड। इस बीच मेघालय सरकार ने अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 में पुनः संशोधन करने का निर्णय लिया है। रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 वी आर गोइंग टू रिविजिट अगेन व्हाट आर द क्लॉसेस टू बी इनकॉर्पोरेटेड और व्हाट आर द क्लॉसेस व्हिच इज आल्सो टू बी डिलीटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल इन द स्टेट। हाल ही में शिलांग में हैनिट्रिप यूथ काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसंग और कानून मंत्री जेम्स के संगमा की बैठक के बाद यह प्रस्ताव रखा गया है। पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य मिजोरम भारत की कैंसर राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले यही दर्ज हुए हैं। आइजोल सिविल अस्पताल की पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के हालिया डाटा के मुताबिक वर्ष 2015-16 में कैंसर के 4,764 मामले दर्ज हुए,
जबकि 2015 और 2016 इन दो सालों में 1672 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो गई। You know, the government has created facilities where the cancer patients can be treated. We know that there are three main modalities of treatment. One is surgery, and the other is radiotherapy, and the third one is chemotherapy, that is giving medicines, either in the form of injection or tablets. So for surgery, we have, the Mizoram government has developed the civil hospital Aizawl, as well as now Falcon, Myanmar Medical College is coming up. So, and the surgeons are very well trained in cancer surgery, so that the need to be referred to, outside the state where the patients incur a lot of expenditure. So that has come down a lot, and now our surgeons can. त्रिपुरा के परिवहन मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय ने अगले 2-3 साल में प्रदेश में एम्स अस्पताल खोलने की बात कही है। रॉय ने कहा कि अब प्रदेश के लोगों को अपनी जमीन जायदाद तक बेचकर एम्स में इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि त्रिपुरा में एक न्यूरो सर्जन को लाया जाए। हमने निर्णय लिया है कि डॉक्टर को हम 3 लाख और एनेस्थेटिस्ट को 2 लाख रुपए वेतन देंगे, ताकि हमें मरीजों को बाहर न भेजना पड़े। आगे भी 2-3 वर्ष मध्य एम्स परिसेवा ए राज्य मानुष पावे। हम जो क्षमता है सब देखे मंत्रिसभा सिद्धांत नहीं राज्य अनेक मानुष घर बाड़ी बिक्री कर दे निश्चय हो जाए परवर्ती समय इसे पर थके जाए डाक्तर भलो डाक्तर आनार जो चिंता करते विगत 25 बचरे এই বিগত 25 বছর বামপন্থ সরকার চিন্তা করেনি যে একটা ভালো ডাক্তার আনি একটা নিউরো সার্জন আনি যার মাধ্যমে অন্তত এখানে এখানে চলবে। কি হয়েছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কত টাকা বেতন দিলে আসবে অনেক কথা হয়েছে সিদ্ধান্ত হলো 3 লক্ষ টাকা বেতন দেবো ডাক্তারবাবুকে আর অ্যানেস্থেসিয়াকে দেবো 2 লক্ষ টাকা বেতন একজন আনবো এখানেই অপারেশন হবে তাহলে এই লোকটাকে বাইরে রেফার করে কলকাতা দিল্লি বোম্বে যেতে হবে না। लेकिन मासिक 3 लाख रुपयों में भी कोई डॉक्टर यहां आने को इच्छुक नहीं है, इसलिए सरकार ने यह रकम बढ़ाने की सोची है। मंत्री ने पूर्व सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार 7वें वेतन आयोग के बारे में भी विचार कर रही है।